और ये देखिए रमन जी कैसे शॉट मार रहे हैं। रमन जी 66 रन 50 गेंदें, वाह बहुत शानदार। और ये 50 गेंदें इतनी ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि ये ओपन गए थे और ये और बॉल बहुत स्विंग हो रही और बॉल और काफी विकेटें भी गिरी थी साथ में, तो इन्होंने समय लिया। इस स्तंभ की तरह खड़े रहे एक तरफ, वरना रमन जी समय आ रहे हैं। ये देखिए वरना रमन जी समय ले हो ही नहीं सकता। और ये एक रन के लिए बहुत शानदार, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, बहुत फिट प्लेयर हैं ये, बहुत फिट। फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग हर चीज करते हैं, बिल्कुल परफेक्ट ऑल। बहुत ही अच्छा ग्राउंड, बहुत अच्छा ग्राउंड है। कौन सा ग्राउंड है? महाजन क्रिकेट ग्राउंड। महाजन क्रिकेट ग्राउंड पंचकुला के पास, हाँ, या चंडीगढ़, आईटी पार्क के पास, आईटी पार्क चंडीगढ़ में है ये। और ये देखिए, अरे बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। और ये शॉट इनका सबसे पावरफुल शॉट है। पावरफुल बोलते हैं बबलू जी, क्या बोलेंगे? बहुत इनका ये परफेक्ट शॉट है, बहुत अच्छा खेलते हैं। देखिए एक बॉल मिस की, अगला मार दिया कभी, और ये 6 रन, 6 रन के लिए बहुत ही प्यारा, छोटा मोटा नहीं, लंबा छक्का। बहुत ही अच्छे बैट्समैन। और साथ में देखिए अमन चीमा जी खड़े हैं और चले गए, चले गए, तभी मैं बोल रहा हूँ इन्होंने ये मंथन जी आए हैं साथ में खेलने के लिए आए हैं। सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा। ये व्हाइट क्रिकेट, व्हाइट बॉल से मैच था ना? हाँ व्हाइट बॉल, लेकिन जर्सी सबकी व्हाइट है ना? पर वो बॉल जो करा रहा है बस उसकी वो है, इनके पास लगता है जर्सी एक ही बदल बदल के पहन रहे थे, क्योंकि ये मुझे लगता है रेड बॉल क्रिकेट खेलते हैं। हाँ रेड बॉल क्रिकेट खेलते हैं। और ये देखिए क्या शानदार शॉट, ये इनका फेवरेट शॉट, फेवरेट मैं कहा ये जोन इनका। वरिंदर सहवाग के बाद अगर किसी का ये फेवरेट है वो है रमन जी का। बहुत शानदार, ये देखिए पानी पानी दे दीजिए। अच्छा अरे क्या बात है, अगर 90% स्कोरिंग एरिया है इनका ये। पर मैंने इनको ना टेनिस के साथ खेलते भी देखा है, तब ये लेग में मारते हैं। माइंडसेट होता है, माइंडसेट होता है कि ये टाइमिंग वाले शॉट हैं, इससे ही मारना, तभी ये ना लेग की बॉल को भी ऑफ में मार देते हैं। माइंडसेट है, माइंडसेट है। अगर जब इनका किसी दिन इनका माइंडसेट खुलेगा कि नहीं, ये देखिए 4 रन बहुत ही बढ़िया। हाँ जिस दिन माइंडसेट इनका खुल गया और दिमाग में ये बात आ गई मार सकता हूँ, तो एक दिन हल्दीराम में मार के भी दिखाया था इन्होंने, लेग की हवा चल रही थी तो इन्होंने अच्छा शॉट मारा, 2 छक्के मारे लेग साइड में, ये ऐसा ही है। ग्रेट, बहुत अच्छा सीधे बैट, स्ट्रेट ड्राइव, बहुत बढ़िया। 4 रन के लिए फॉर्म में रमन जी, इन फॉर्म रमन जी, इन फॉर्म बहुत अच्छा खेल रहे हैं आजकल। बल्लेबाज, गेंदबाजी भी बहुत अच्छी कर, बहुत अच्छी। ट्राई सिटी क्रिकेट क्लब में आने के बाद इनका बल्ला बहुत आड़ा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत शानदार, हर जगह बहुत अच्छा खेलते हैं ये। इन्होंने कई मैच जिताए हैं चंडीगढ़ टोर्नेडोस को, बहुत सारे, बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छे फिनिशर हैं, बहुत अच्छे फिनिशर। इनको ओपनिंग ट्राई की गई और बैट के मारा पैडल स्वीप, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया शॉट। गलत बॉल करेंगे ना तो इन्हें छक्का ही खाएंगे, तो ये कभी भी छोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ये हर बॉल को बाउंड्री के बाहर पहुंचाना चाहते हैं, इनका एक ही लक्ष्य है ग्राउंड में आके। पिच काफी अच्छी है यहाँ की, ये बड़ा अच्छा ग्राउंड, बहुत अच्छा ग्राउंड। अगर ये सुबह सुबह आप यहाँ खेलोगे तो आपको थोड़ी सी डैम्पनेस मिलेगी, बट जैसे जैसे धूप आती रहती है ये पिच विकेट बहुत अच्छी होती रहती है। देखिए स्विंग के लिए, बैटिंग के लिए, और 50 शानदार, और इसी के साथ 50 बहुत बहुत बधाई हो, पारी बधाई हो, बधाई हो रमन जी, बधाई हो रमन जी आपके सदस्यता के लिए, बहुत बढ़िया। और ये देखिए एंड बदला, एंड बदला, अच्छा ग्राउंड है, बहुत प्यारा ग्राउंड। तो हमें भी ले जाइए बबलू जी कभी यहाँ, हम भी देख, हम नहीं जा सकते, हमें खिलाते नहीं है, नहीं, नहीं जा सकते, बेशक ट्राई सिटी ही बन गई है लेकिन हमें मौका नहीं देंगे, नहीं देंगे। ये प्लेयरों की जगह है डब्ल्यू जी, यहाँ प्लेयर खेलते हैं, जैसे रमन जी प्लेयर हैं। और देखिए ये रमन जी ने करा दिया, ओ और ये देखिए अभी भी नहीं पहुंचे हैं कोशिश कर सकते थे। अरे ग्रेट बॉलिंग, ग्रेट बॉलिंग, और लगी है ये, एलबी क्यों नहीं दिया, बैट पे लग के लगी है। अरे हवा में इन स्विंग कर रहे हैं, ग्रेट बॉल, कहां थे आप पहले? पहले भी यही थे पर तब पढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे। अरे बहुत अच्छा शॉट, लगता है कैमरे के पास से गई बॉल की परछाई दिखी, और ये देखिए कैमरे की परछाई भी दिख रही है मुझे। अरे बहुत अच्छी यॉर्कर कर रहे हैं, हाँ, हर बॉल वहीं डाल रहे हैं, लगता है लाइन पकड़ ली इन्होंने अब 10 ओवरों के बाद, हाँ, क्योंकि अब बहुत पिटाई हो चुकी थी अब पकड़नी बनती भी थी। और ये घुमाया और एज और गिरा नो मैंस लैंड, नो मैंस लैंड में
भूटान में गिराइए। भूटान में बहुत आदमी पाए जाते हैं अगर मैं आपको बता दूं। डब्ल्यू जी ये आउट, और ये गिर गया इंडिया में, दिल्ली में। और ये देखिए ये कैच, यहाँ लोग ही लोग आया नहीं कैच ये कैमरे में यहाँ से भी, बट ये आउट, ये आउट था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत अच्छी परी, बहुत बढ़िया।